on the subscribe button and press on the bell icon to watch my all new videos. Guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. तो हमारे पास next जो topic से question पूछा गया था gear train 2018 में वो क्या है epicyclic gear train. एक gear train में क्या बता रखा है हमारे पास A B D क्या है basically gear है आप देख सकते हैं यहाँ पर diagram बता रखा है इन्होंने और यहाँ पर arm क्या है A B है ए हमारे पास गियर बी हमारे पास गियर सी में क्या दो सरफेस हैं कि इनर सरफेस है और एक क्या आउटर है कि इनर में है आउटर में इनर में टीथ कितना बता रखा है देखिए 80 बता रखा है आउटर में क्या है 100 है यहीं पर मिस्टेक करते हैं हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं हालांकि आपको बताऊंगा मैं सब चीज़ इस रिलेटेड बिकॉज यहाँ पर एक टिप देता हूँ क्या होता है प्लस एंड माइनस का कंसेप्ट होता है आप अगर एक बार समझ जाते हो प्लस एंड माइनस का कंसेप्ट फिर क्या होता है इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो तो इस क्वेश्चन में हमें बताया क्या है कि बता रखा है कि हमारे पास कैरियर आर्म है ए बी इज फिक्स्ड एंड सन गियर क्या है ए है अब हम क्या कर सकते हैं ए गियर अगर रोटेट्स करता देखोगे 300 आरपीएम में तो क्या होगा अगर ए गियर यहाँ पर रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज 300 आरपीएम में तो हमें निकालना क्या है डी गियर कितने ज़्यादा आरपीएम में रोटेट करेगा हमें इस कंसेप्ट के ऊपर क्या करना है काम करना है राइट तो अब देखो अब हम क्या करेंगे हमारे पास क्या तीन स्टेप हमें क्या करना है फॉलो करना है स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री पहला स्टेप क्या बोलता है देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो पहला गियर हमें दे रखा है मतलब गियर ए इसका जो आरपीएम क्या ले रहे हैं सपोज दैट प्लस में लेंगे पहले वाला अगर मान लो पहले वाला प्लस में है मतलब पहले वाला अगर प्लस ले रहे हैं हम लोग दूसरे वाला क्या होगा माइनस में होगा तीसरे वाला क्या होगा प्लस में होगा चौथे वाला क्या होगा माइनस में होगा इसको समझना अच्छे से अब देखो प्लस जो हमने लिया 200 आरपीएम ले लिया हमने राइट अब देखो उसको प्लस लिया हमने तो एन बी प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में होगा एन ए प्लस में था एन बी क्या माइनस में होगा तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 200 आरपीएम अगर एन बी इधर माइनस है पहले वाला माइनस में आया हमारे पास एन बी तो एन सी क्या आएगा यहाँ पर प्लस में आएगा फिर क्या आएगा माइनस में आएगा तो कंसेप्ट क्या लग रहा है माइनस प्लस माइनस आपको इस कंसेप्ट को याद रखने का और एक तरीका बता रहा हूँ जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर तीन अप्रोचेज लगते हैं वो क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा ये हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर राइट अब हम क्या करेंगे सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे अब देखो यहाँ पर और एक जगह मिस्टेक करेंगे और कहाँ पर मिस्टेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिस्टेक बता रहा हूँ तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे जो हम लोग एन बी इज इक्वल टू माइनस 200 है यहाँ पर माइनस 200 लिख देंगे लेकिन ये एन सी माइनस है यहाँ पर क्या करेंगे माइनस मल्टीपल नहीं करेंगे यहाँ पर माइनस बाद में तक रहते हैं माइनस में रहते हैं तो आंसर क्या बोलते हैं हम लोग फिर जाके माइनस 375 फिर हम क्या होते हैं खुश हो जाते हैं तो आपको क्या है मिस्टेक रिपीट नहीं करना है तो आंसर बेसिकली इसका क्या है आंसर को ऑप्शन क्या होगा बी होगा 375 सो गाइस होपफुली पता लगा कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में इस तरह क्वेश्चन जो आएगा आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे और विदाउट मेकिंग मिस्टेक राइट सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल बाय बाय